Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तुम्हारी सेवा नहीं कर सकूंगा। गांव छोड़कर शहर जा रहा हूँ। सुना है शहर में जाकर लोग धन कमाकर भगवान को भूल जाते हैं। मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा माँ। और शहर से जब धन कमाकर लौटूंगा तो तुम्हारी मूर्ति पर सोने का छत्तर चढ़ाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ। हवा में उड़ने देखो बन का मोर चला अपना गांव संभालो, मैं तो शहर की ओर चला अपना गांव संभालो, मैं तो शहर की ओर चला। नई हवा में उड़ने देखो बन का मोर चला अपना गांव संभालो, मैं तो शहर की ओर चला अपना गांव संभालो, तो शहर की ओर चला। शहर में जब जब सावन भादो आता है, सुनते हैं शहर में जब जब सावन भादो आता है, पानी की बूंदों के बदले हरे नोट बरसाता है, भर लेता है झोली जिसका जितना जोर चला अपना गांव संभालो, मैं तो शहर की ओर चला अपना गांव संभालो, मैं तो शहर की ओर चला। सुना है रात कहाँ की दिन को शर्माती है, ये भी सुना है रात कहाँ की दिन को शर्माती है, दीवारों को हाथ लगाओ तो बत्ती जल जाती है, अपने घर तो दिया कभी ना सारी रात जला अपना गांव संभालो, मैं तो शहर की ओर चला अपना गांव संभालो, मैं तो शहर की ओर चला। जो भी लिखा होगा निकल पड़े जब घर से क्यों ना करे गांव भला अपना गांव स-
संभालो मैं तो शहर की ओर चला अपना गांव संभालो मैं तो शहर की ओर चला नंबर 118 भुलेश्वर कबूतर खाना दो नंबर की मुंबई बाबू चंद्रशेखर पांडे बकी। अरे राम राम राम, ये सुबह ही सुबह किसका नाम ले दिया, अब तो पान लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। भैया जी पता बता दो ना। अरे भाई उसी यमदूत की तो छाया में मैं रहता हूँ, नीचे हमारी दुकान ऊपर उसका मकान, ये साथ वाले दरवाजे से अंदर चले जाओ खुद ही मिल जाएगा बेईमान। माता जी, ओ माता जी, अरे हो गला फा रहा है, घंटी बजा। घंटी? मगर भैया जी यहाँ तो कोई घंटी नहीं लटक रही। अरे मंदिर वाली घंटी नहीं, बटन वाली घंटी, वो बाजू में सफेद बटन लगा है उसे दबा, आवाज खुद ब खुद ऊपर पहुंच जाएगी। बटन नीचे दबाओ आवाज ऊपर जाएगी, तब तो ठीक है। अबे ये घंटी तेरे बाप की है जो दबाए चला जा रहा है, जानता है कि ये बिजली से चलती है और बिजली मुफ्त नहीं मिलती। अरे वाह मौसा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं बिरजू हूँ, बिरजू दुर्गापुर वाला। दुर्गापुर वाला? हाँ। मगर तू यार बंबई में क्या लेने आया? अरे भूल गए आप, 10 बरस पहले जब गांव में आपने हमारी जमीन ले ली थी और माँ के सामने कहा था बेटा शहर चले आना, जमीन के बदले तुम्हें दुकान खुलवा दूंगा, तो चला आया। अच्छा तो शहर में दुकान खोलने आए हो, मगर भैया इतना याद रखना जो जहाँ से कपड़े पहनकर ऊपर जाता है वो नंगा होकर नीचे उतरता है। चल चल तू अंदर चल, घर की बातें दरवाजे पर नहीं होती, अंदर चल। मौसा जी आपके शहर के आसपास तो बहुत पानी है, इसीलिए बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियां भाग रही हैं। इससे देखो सिर वो बात ही नहीं करता, वो तो भरा हुआ पान वाले का, इसने आपका दरवाजा दिखा दिया। हाय हाय काहे को सुबह सुबह उस कमखत का नाम लेकर इनका साथ बिगाड़ना है, सीधे सीधे चल। अजी कौन है ये नारू? अरे मौसी मुझे नहीं पहचाना, मैं बिरजू हूँ, बिरजू दुर्गापुर वाली लक्ष्मी का बेटा। याद है 10 बरस पहले तुम हमारे गांव में आई थी, मेरे लिए बम्बई से हलवा लाई थी, बड़ा स्वाद था, और तुमको भी तो सरसों का साग करने का बड़ा शौक था, छेदर में हमारा सारा खेत साफ कर गई थी। हाँ हाँ याद है याद है, ज्यादा बकबक मत कर, यहाँ क्या लेने आया है? भगवान का दूसरा रूप माँ होती है मौसी, मेरी माँ तो भगवान के पास चली गई, अब तो तुम ही मेरी माँ हो, मैं तुम्हारे पास रहूंगा यही तुम्हारे चरणों में। हाँ राम यहाँ तो पहले ही कोई हाथ नहीं लाता, ऊपर से बिन बुलाए मेहमान चले आ रहे हैं। मेहमान? अरे क्या बात करती हो मौसी, मैं तो इसे अपना घर समझ के आया हूँ, जैसे माँ की सेवा किया करता था ना वैसे ही तुम्हारी भी सेवा किया करूंगा, बस मौसा जी मुझे दुकान खुलवा देंगे फिर अपनी पहुंचोगी। कढ़ाई में क्यों जी, ये दुकान का क्या कस्सा है? अरे भगवान जरा चुप तो रहो। हाँ बेटा देखो ये तुम्हारा घर है, बस काम से जी मत चुराना और घर की देखभाल जरा अच्छी तरह करना। अरे मौसा जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, और फिर बुजुर्गों की सेवा करना तो माँ कहती थी बड़े पुण्य का काम होता है। जीते रहो बेटा जीते रहो। अच्छा देखो ये साथ वाली सीढ़ी से सीधे ऊपर चले जाओ, वहाँ हमारी नौकरानी है, उससे बोलो कि रसोई के साथ वाला कमरा तुम्हें दे दे और तुम अपना सामान वामान अच्छी तरह से रखो उसमें। इसे घर में तो रख लिया है, अब दुकान कैसे खुलवा दोगे? बिंदु की माँ हमने लोगों की खुली हुई दुकानें बंद करवा दी हैं, ये क्या दुकान खोलेगा?
मेरा नाम ब्रिजभूषण है, लोग मुझे बिरजू कहते हैं। लेकिन तू यहाँ क्या लेने आया है? मैं पूछती हूँ, तुझे नीचे किसी ने रोका नहीं? मुझे कौन रोकेगा, नीचे वालों ने तो मुझे ऊपर भेजा है, आज से मैं भी यही रहूंगा। यही रहेगा? ओ समझी, ठीक है, जरा मेरे कपड़े तो दे। अच्छा तू जाके अंगीठी को पंखा कर, बाकी काम मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा होती है। अरे मैं तनख्वाह की बात कर रही हूँ, क्या मुफ्त में काम करेगा? ए, तू मुझे नौकर समझती है? अरे ये तो मेरे मौसा मौसी का घर है, इसलिए मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने को आया हूँ। मौसा मौसी का घर है? हाँ। तो फिर तुझे छत पे रहने के लिए क्या भेज दिया? मौसा जी मेरी आदत जानते हैं, मैं गाँव का रहने वाला हूँ ना, इसलिए छत में मुझे खुली हवा में भेज दिया। सूरत भी गंवार जैसे और बातें भी गंवार जैसे। बेवकूफ, मालिक को गंवार बोलती है। अच्छा बाबा, हाँ। मैं तुझे भोलेनाथ कहूंगी। भोलेनाथ? वो तो शिव जी का नाम है, तब तो ठीक है। तेरा नाम क्या है? पारो। पारो? पार्वती। पार्वती? भोलेनाथ की पार्वती। पारो, ओ पारो, नाश्ता तैयार कर लिया? वो मालकिन मैं नहा रही थी, अभी तैयार कर देती हूँ। सुन पारो, ये अपना बिरजू है ना? अरे बिरजू, ये ले 10 पैसे, नीचे होटल में जाके नाश्ता कर ले, तुझे भूख लगी होगी। जा। 10 पैसे होटल में नाश्ता है? देखा, मैं हूं ना इनका रिश्तेदार और तू मुझे नौकर कहती थी, बेवकूफ। पारो, इसकी बातों में मत आना, इससे सब काम लेना जो पहला नौकर किया करता था। लेकिन मालकिन, वो तो कहता है कि आप उसकी मौसी लगती है। अरे जब हम गाँव में रहते थे ना, तो इसकी माँ मुझे बहन कहती थी, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके रिश्तेदार हो गए। जा, जल्दी से नाश्ता तैयार कर ले, बिंदु को कॉलेज जाना है। पालकाए मलमा हमार, मल के कुर्ते पे छीट लाल लाल। अरे पारो भैया जी, यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है? अरे भैया, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े होटल है, ताजमहल होटल, सन एंड सन होटल, किंग्स होटल, अप्सरा होटल, अल्पेस्टा। बस 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 बस, ये बताइए कि 10 पैसे में सबसे अच्छा नाश्ता कहाँ मिलेगा? 10 पैसे में नाश्ता तो नहीं, लेकिन धक्के जरूर मिलेंगे। वो कोने वाली दुकान पे जाकर 10 पैसे की मूंगफली ले ले। जा। अच्छा अच्छा, यहाँ से आ जाते हैं 10 पैसे में नाश्ता। और भैया जी, अजय एक टिकट दो महाराष्ट्र का। अरे भैया दो ले लो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनाम 5 लाख रुपया रखा हुआ है। ये बात है, दो दे दो। हाँ दो लो भाई, लो ये लो। ए, तू खड़ा यहां क्या कर रहा है? उठ यहां से। गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे ये क्या, फटी पुरानी बनियान पहनकर कहाँ जा रहा है? मम्मी फैशन का जमाना है, आजकल लोग अंदर नहीं देखते, बाहर ही देखते हैं। मम्मी जानती हो, आज मैं एक फिल्म कंपनी में स्टोरीज बनाने जा रहा हूँ। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, गाना, सब कुछ मेरा। मम्मी तुम्हारे चरणों की सौगन, 1,25,000 रुपया से कम नहीं लूंगा। 1 रुपया देना मम्मी स्टूडियो जाने के लिए। भाड़ में जाए तेरा स्टूडियो और तू, कमाई ढीले की नहीं और बातें करता लाखों की। मम्मी हमारा बस ये नाश्ता कर लो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा नाश्ता, रख लो अपने पास। कितनी बार कहा है पढ़े लिखे लोग रख लो, रख लेते हैं गवारों को, न टाइम का पता न वक्त का ख्याल। ओहो गुस्सा मत करो, लाओ हम ब्रेकफास्ट करेगा, हम करेगा, डोंट वरी। मम्मी 10 रुपीज निकालो, 10 रुपए सब्जी भाजी लाने के लिए। क्यों रे, तू कहता था आलू रुपया किलो मिलते हैं और वो पड़ोसन कहती थी आठाने किलो। मम्मी भाव जो है ऊपर नीचे होता रहता है। मम्मी
ये कार्टून कौन है? ये है बिरजू। गांव में इसकी माँ मेरी मुंह बोली बहन थी। जब ये घर का काम काज अच्छी तरह सीख जाएगा तो तुम्हारे पिताजी इसे दुकान खुलवा देंगे। हाँ, और मौसा जी ने मुझे वचन भी दिया है। बिरजू, ये है तुम्हारा बड़ा भाई राम, फिल्म कंपनी में काम करता है, और ये है तुम्हारा छोटा भाई श्याम, बहुत जल्दी विलायत जाने वाला है। हाय, मगर मौसी वो लड़की कौन है? अरे बेटा, वो है बिंदु, तुम्हारी छोटी बहन, कॉलेज में पढ़ती है। पढ़ने लिखने का इतना शौक है कि खाना पीना भी भूल जाती है। मम्मी, टेक दिस, आई गो। बाय। मैं भी चलता हूँ। खाना भी भूल जाती है। अरे बेटा, अंग्रेजी राज के मजे तो अंग्रेजों के साथ ही चले गए। हाय हाय, क्या जमाना था, तनख्वाह कम और रिश्वत ज्यादा। मगर आज इंदिरा गांधी का राज, एक फूटी कौड़ी कोई रिश्वत देने को तैयार नहीं। अरे तू काय को रुक गया भाई, तू तो जोर से हाथ मारे जा, बदन टूट रहा है बेटा। मगर मौसा जी, आप तो सारा दिन घर पर ही रहते हो, थक कैसे जाते हो? अरे दो चार दिन से तबीयत जरा नरम गरम है ना, मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। अरे बेटा, एक जमाना था जब मैं सरकारी वकील था, तो बेटा क्या धूम थी मेरी वकालत की। देशी लोग तो देशी लोग, अंग्रेज लोग टोपी उतार उतार कर सलाम करते थे मुझे। लेकिन आज बेटा, आज तो लोग मेरी टोपी उतारने को तैयार हैं। ऐसा मौसा जी? अरे बेटा, दूर कहाँ जाता है, वो नीचे सुंदर थान वाला है ना, 11 महीने का किराया नहीं दिया है। मैं तो कहता हूँ कि आज के जमाने में जायदाद बनाने ही गुनाह है। प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, मीटर टैक्स, बाप रे बाप, मरने के बाद भी टैक्स, ऊपर से किराएदार किराया नहीं देता है। मैं पूछता हूँ कि जायदाद बनाने का फायदा ही क्या है जब 4 पैसे की आमदनी न हो। मगर मौसा जी, दुकान से तो अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, आप मुझे दुकान खोल दें, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। मगर बिरजू बेटा, दुकान चलाने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। अरे बेटा, पहले घर का काम काज अच्छी तरह सीख लो, जब तुम होशियार हो जाओगे ना तो एक दुकान। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए सारा बाजार खरीद के रखूंगा। सच मौसा जी? बेटा, मैं कहता था ना कि तुम अनाड़ी हो, गिरा दिया ना मेरी नेकर पे तेल। गलती हो गई मौसा जी, मुझको माफ कर दीजिए। आप उठिए, मैं नेकर उतार दीजिए, मैं धो देता हूँ। उठिए उठिए। ये क्या करता है? तू क्या? बेटा, नेकर मौसा जी, मैं अभी धो देता हूँ। बेटा, दो चार कपड़े और हैं, नेकर के साथ इन्हें भी धो देना। मेरी मौसी बहुत आलसी है बेटा, कल मुझे कचहरी जाना है और मेरे पास कोई साफ कपड़ा नहीं। अरे मौसा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे कपड़े धो देता हूँ। बेटा, तीनों पाल से अच्छी तरह साफ करना है। तीनों पाल? मौसा जी, मैं तो रामपाल को जानता हूँ, अपने गाँव में पंसारी की दुकान करता है ना। अरे बुद्धू, तो कुछ भी नहीं जानता, मेरा मतलब है कि अच्छी तरह से साफ करना है। अच्छी तरह जाना, रक्षा करो प्रभु। धोने जा रहा हूँ मौसी, कल मौसा जी के पास कचहरी जाने के लिए कोई साफ कपड़ा ही नहीं। अच्छा, तो दो चार साड़ी मेरी भी धो देना, कल रात से मेरी कलाई में मोच आई हुई है। तो ला मौसी, पहले तेरी कलाई में मालिश कर दूँ। नहीं नहीं, सिर्फ साड़ी नहीं धो कर ला, बुजुर्गों की सेवा करने से फल मीठा मिलता है। बैठ जा नीचे, बैठ जा। ये साड़ी, ये चद्दर, अरे जाता कहाँ है, थोड़े से कपड़े और थोड़े से खूब साबुन लगा करके धोना। हाँ, ये ले, और बाद में नील भी लगाना। ये ले ले, माँ वारी, माँ सस्के, जा जा। अच्छा हुआ ये बांगड़ू आ गया, नहीं तो कपड़े धो धो कर मेरे हाथ दुखते थे। हाय राम, अब फिर सुखा सांस लूंगी। हाँ, ए बारो बारो, क्या रे, क्यों चला रहे? ए मुँह से जा, तू तलाक मत कर, देखती नहीं कपड़े कितने मैले हो गए हैं। मौसा जी, ऐसे कपड़े पहन के चली जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? निकाल साबुन और धो डाल सारे के सारे। देख,
मेरा काम कपड़े धोना नहीं, पक्का खाना बनाना और सबको परसना है कि ऊपर के सारे काम तेरे हैं। ऊपर के सारे काम तेरे हैं, जानती नहीं मौसा जी ने इस घर का कार मुख्तार मुझे बनाया है। मेरी बात नहीं मानेगी तो नौकरी से छुट्टी करा दूंगा। अरे बारे, बड़ा मुकदम बनता है। देख मैं सीधों के साथ सीधी हूँ और टेढ़ों के साथ टेढ़ी, ज्यादा रुबाब बाप रे। अरे शहर की औरतें तो महतबाई भी करती हैं। माफ कर माफ कर, मैं खुद ही धो लेता हूँ। अरे वाह मौसी, खाना दाल सब्जी खीर, बड़े जोर की भूख लगी थी। अरे बिरजू ये मेरी कुर्सी है, उठो यहाँ से। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अरे बेटा कुछ तो बुजुर्गों की इज्जत करना थी, मेरी कुर्सी तो बैठ गया। कौन दादा, मौसी मौसी मैं कहाँ बैठूँ? अरे बेटा ये लो। अबे आंखें फाड़-फाड़ कर क्या देख रहा है? खाना कभी देखा नहीं है क्या? मम्मी ये सिर्फ गुरु के देखेगा तो हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। बिरजू तू ऊपर छत पर जा, कपड़े सूख रहे हैं तय करके रख दे, जा। ये सुना है तुमने? एक तो पहले इस घर में तोता परी पाल रखी थी, वो बस ये बांगड़ू आ गया। दिस इज होम ऑफ चिड़िया घर। बेटा खाना खाते वक्त ज्यादा बातें नहीं करते। ओके मदर। राम ब्रदर, यस राम ब्रदर, खाना इज वेरी नाइस। खाना तो ठीक है यार, ऑल राइट, लेकिन खीर बन गया फुल सुपर फाइन। अरे पारो, ओ पारो जा आओ खिला। वाह 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 क्या खीर बनी है, वो तो ठीक है लेकिन मीठा थोड़ा कम है। खाते भी जा रहे हो, नुक्स भी निकाल रहे हो। ला। लेकिन पतिया तो बिल्कुल खाली है, है? खाने वाले इतने लोग हैं और जरा सा स्वीट बना के लाइए। सो लिटिल। इस पारो का दिमाग तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मालकिन जितना दूध तुम मंगवा कर देती हो उतनी तो खीर बनेगी, ऐसी जानती रहती हूँ। शांति शांति बेटी पारो, तुम ऊपर जाओ अपना काम करो, ये नादान है। देखो भाई आज जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे कान खोलकर सुनो। अब वो नौकरों पर रुआब करने का जमाना नहीं है। ये पारो जो है ये तो अपनी तनख्वाह वाली नौकरानी है, लेकिन अगर तुम लोग बिरजू के साथ अच्छा सलूक रखोगे तो जिंदगी भर वो बगैर तनख्वाह के यही टिका रहे। That is right. ए बिंदु, सबकी थाली में से रोटी इकट्ठी कर और जाकर ऊपर बिरजू को देकर। लेकिन साग भाजी तो कुछ भी नहीं है मम्मी। अरे तो थोड़ा सा नमक दे दे। अच्छा लो रोटी, माँ ने कहा है तुम ऊपर ही बैठ कर खा लो। अच्छा सुनो, दाल सब्जी खीर कुछ नहीं लाई? दाल सब्जी खीर सब खत्म हो गई है, नमक के साथ ही खा लो।
ये ले, दाल और रोटी खाली। अरे खा ले ना। नहीं, ये तेरे हिस्से की है, मैं नहीं खाऊंगा। मैं एक दिन नहीं खाऊंगी तो क्या मर जाऊंगी? ये ले, खा ले। बिरजू महाराज सब्जी के बिना खाना नहीं खा सकते। घास डाल लिया होता उसके आगे। देख बिंदु, वो बिल्ली का झूठा दूध पड़ा है ना, वो दे दे उसको। मम्मी, तुम मुझे बिल्ली का झूठा दूध दोगी? अरे हाँ पगली, बिल्ली का झूठा दूध पी करके ही तो आगे पीछे वो म्याऊ 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 करता फिरेगा। ऐसे कितने झूठे होते हैं, जहाँ से आया है वही चले जा। अरे मैं किससे बात कर रही हूँ? देख तू यहाँ नया नया है, तू इन लोगों को नहीं जानता। मैं इस घर की एक एक ईंट को पहचानती हूँ। मान जा मेरी बात और अपने गांव वापस चला जा। गांव जाके क्या करूँगा? थोड़ी सी जमीन थी वो तो मौसा जी ने 10 बरस पहले ले ली। कह लगे यहाँ फैक्ट्री खोलूंगा और इसके बदले में शहर में तुमको दुकान खुलवा दूंगा। इसी आज पे तुम यहाँ आया हूँ और तू बोलती है कि मैं गांव वापस चला जाऊँ। माँ ने तेरे लिए दूध भेजा है, आज इसी से रोटी खा ले। क्या मौसी ने मेरे लिए दूध भेजा है? पारो देखा मौसी मौसा मेरा कितना ख्याल रखते हैं। दाल सब्जी खत्म हो गई तो दूध भेज दिया, मुझे तो पहले ही मालूम था। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे दुकान भी खुलवा के देंगे और तू बोलती है मैं गांव चला जाऊं। क्यों? तुझे क्या मालूम हिंदी शायरी क्या चीज होती है? श्याम दूसरी ट्यून सुनाता हूँ। संगीत सभा हो रही है। यस, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, गाना बजाना। तब तो ठीक है, मुझे भी गाना बजाने का बहुत शौक है। अच्छा, तुझे भी गाना आता है क्या? हाँ, मुझे बहुत अच्छा गाना आता है। हमारे गांव में एक नाव वाला जब भी नदी पार करता यही गाना गाया करता था और मैं हमेशा किनारे पे खड़ा होकर उसका ये गाना सुना करता। राम ब्रदर, हो जाए एक विलेज ट्यून, फोक सॉन्ग हो जाए, शुरू हो जाओ। जाऊं? हाँ बिल्कुल जाऊं, तब तो ठीक है। प्यार कहाँ रहता है? उड़ता उड़ता एक पंछी बोला रे पगले वहाँ रहता है, दिल में दर्द जहाँ रहता है। उड़ता उड़ता एक पंछी बोला रे पगले वहाँ रहता है, दिल में दर्द जहाँ रहता है। फिर प्यार करें क्यों लोग, प्यार की खातिर क्यों ले जो? तो एक नन्नी मुन्नी सी चिड़िया प्रेमी के कानों में कह गई।
भगवान ये कहता है प्यार बिना ये जग खोटा है, खुद भगवान ये कहता है। एक प्यार करने वाले, एक प्यार करने वाले से ये पूछा कि प्यार कहाँ रहता है। उड़ता उड़ता एक पंछी बोला रे पगले वहाँ रहता है, दिल में दर्द जहाँ रहता है, दिल में दर्द जहाँ रहता है। तू जहाँ बैठा है मैं तुझे ढूंढने छत पर गई थी, जा जाकर मेरा बिस्तर लगा। अभी जाता हूँ मौसी। अरे बच्चों तुम्हारा दिमाग खराब है, नौकरों को मुंह लगाओगे तो घर का काम काज कौन करेगा? सॉरी मदर, वी आर वेरी सॉरी। बिरजू बिस्तर लगा दिया ना बेटा? हाँ मौसी देख लो। जी तारा बड़ा होनार बेटा है, जा तू सो जा। अच्छा मौसी पानी के गिलास में रख देना। मौसी ये क्या है? अरे बेटा ये मेरे दांत है। दांत? हमारे गांव में से एक दांत निकालना हो तो कितने बैद आते हैं, पर तुमने एक ही झटके में सारे निकाल दिए। अरे बेटा तू नहीं समझेगा, ये शहर के दांत है, जा सब पानी के गिलास में लग दे। अच्छा मौसी। अच्छा सुबह दूध वाला घंटी बजाएगा, दूध ले लेना, मेरी पूजा में बाधा पड़ती है, समझ गया ना? अच्छा शहर के दांत। अरे भैया जी इसमें तो पानी है, मैं गांव का रहने वाला हूँ सब समझता हूँ। कहा था पानी है? अरे भोले बादशाह जो देता है चुपके से ले ले, तेरे मौसा ने 3 महीने के इसके पैसे नहीं दिए। सुन लिए बेटा, अब तनी अपने मौसा जी को याद दिया देना, फोकट में पानी नहीं सबका फंस मिली। ओ पारवाले भैया जी, मौसा जी ने दूर वाले के पैसे नहीं दिए तो तुमने भी तो 11 महीने का दुकान का किराया नहीं दिया। अच्छा तो पांडे ने तेरे काम भी भर दिए? अरे बेटा 3000 पेशगी दिए हैं पेशगी, और सिर्फ इस शर्त पर कि हर महीने किराए में कटेगा, और अब कहते हैं कि वो पेशगी नहीं पगड़ी थी। पगड़ी? पगड़ी? मौसा जी 3000 की पगड़ी बांधते हैं? अरे बेटा तू इन बातों को नहीं समझेगा, जा जल्दी से दूध उतर जा। अरे शहर की तो गंगाई उड़ती है, नौकर भी मालकों की तरह करते हैं। मौसा जी को चाय देनी है,
मौसी जी को चाय देनी है, चूल्हा जलाना है, दूध गर्म करना है, सूरज सर पे आ गया और नौकरानी का अभी तक पता ही नहीं। क्या बड़बड़ कर रहा है? चूल्हा फूकना तेरा नहीं मेरा काम है। चलो ना घास ले और माचिस ले गया। अरे वाह, एक तो देरी से आती है, ऊपर से हुक्म चलाती है। आज तक मालिक ने मुझे ऐसा नहीं कहा, तू कौन होता है रे? देख पारो, कान खोल कर सुन ले, मैं मौसा मौसी का खास भांजा हूँ। खबरदार मुझे अपने जैसा नौकर चाकर समझा तो। अच्छा बाबा, नाराज क्यों होता है? तेरी खुशी के लिए मैं कभी कभी तुझे बिरजू सेठ के दे करूंगी। बिरजू सेठ? तब तो ठीक है, अब और क्या करना है? आज जल्दी से तरकारी काट दे। कर देता हूँ। मेरी तो उंगली कट गई। अरे ये क्या किया तुमने? जरा सा घाव था, तुमने अपनी धोती को फाड़ दी। तो क्या हुआ? तेरे से ज्यादा क्या ये साड़ी अच्छी है? मेरे पास नहीं तो घाव लगा है तुझे। बेटो, ओ बेटो! आया भैया। हाँ भैया, भारत ब्लेड अंग्रेजी दातुन। भारत ब्लेड और ये अंग्रेजी दातुन निकाल रोकना। ये लो अपना सामान और ये 2 रुपया अच्छी पैसा बचा है। अरे सुन, 1 रुपया ये ले, जाके बाजार से काली बिल्ली बूट पॉलिश ले। क्या लाएगा? काली बिल्ली बूट पॉलिश। काली बिल्ली बूट पॉलिश, काली बिल्ली बूट पॉलिश। ही इज गॉट नो ब्रेन ब्रदर। तुम बाजार जा रहे हो ना, मेरे लिए एक लाल रंग की रिबन लेके आना। लाल रंग की रिबन? काली बिल्ली लाल पॉलिश, काली बिल्ली लाल पॉलिश, काली बिल्ली लाल पॉलिश। भैया जी, अरे जो क्यों अपनी जान को हकार कर रहा है? एक बार पूछ के आगे क्या चाहिए? काली बिल्ली लाल पॉलिश, काली बिल्ली पॉलिश लाल रिबन। हाँ हाँ, मैं समझ गया, ये मेरे पास नहीं है, वो सामने वाली दुकान पे जा। अच्छा, काली बिल्ली लाल पॉलिश, काली बिल्ली पॉलिश लाल लाल रिबन, काली बिल्ली पॉलिश लाल लाल रिबन। अरे खत्म भर लगा, मैंने सारे घर की सफाई कर। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में, प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में, सज के सब संसार।
आधा आधा बैठ बैठ बैठ। अरे ये मुंह क्यों लटका रखा है? क्या तेरे मौसा ने सोख बनाने के लिए कहा है? सोख? सोख क्यों बनाएंगे? अरे अरे तुझे बताया नहीं? अरे आज मैंने तेरे मौसा से मुकदमा जीत लिया है। बोल कौन सा पान खिलाओ, बनारसी या कलकत्ता? मैं पान नहीं खाता भैया जी। अच्छा तो ले इस टॉफी से मुंह मीठा कर ले। मौसा जी नाराज होंगे। मौसा जी नाराज होंगे? ले खोल वो खोल। शाबाश शाबाश। अच्छा अब ये बता कि तूने बंबई शहर में क्या क्या देखा? शहर देखा ही कहाँ है, बस मौसा जी का घर, ऊपर छत और ये गली। तेरे मौसा को अरे ओ बिजू के बच्चे, नीचे क्या गप्पे मार रहा है? ऊपर आके मेरे जूते पॉलिश कर। आया था भैया आया। कान खोकर सुन ले, मौसी ने कहा है कल सवेरे हलवा पूरी और आलू का साग बनेगा। अरे जो तू खरीदी करके लाएगा वही बनाऊंगी, लेकिन जितनी देर था कहा? क्या करूं, प्रणाम और शाम भैया ने कहा हमारे जूते चमकाओ, मेरी उंगली कट गई ना तो धीरे धीरे चमका रहा। अच्छा अब जल्दी से खाना खा ले, मुझे भी अपने घर जाना है। अच्छा पारो तेरा पट्टी खोल दे, रोटी खा लो। अरे पट्टी खोलेगा तो जख्म पे नमक मिर्ची लग जाएगी। तो फिर खाओ कैसे? अच्छा मैं तुझे खिलाती हूँ। अरे तू मुझे अपने हाथ से खिलाएगी? अरे तेरा हाथ जख्मी है, मैंने थोड़ी सी तेरी मदद कर दी तो इसमें क्या हुआ? ये ले खा ले। दाल कैसी है? दाल तो बहुत अच्छी है, ऊपर मोची कहती थी इसमें नमक ज्यादा है। अरे उसको तो हमेशा बर्बर करने की आदत है। ये ले भाजी के साथ खा के दे। जब मैं छोटा सा था एक दिन पतंग की डोर से मेरी उंगली कट गई थी, मेरी माँ ने ऐसी मोटी सी पट्टी बांध दी थी, फिर इसी तरह अपने सामने बिठा के अपने हाथों से खाना भी खिलाया। तेरी माँ तुझे बहुत प्यार करती थी? हाँ बहुत प्यार करती थी, बचपन से ही मेरे बारे में सपने देखा करती थी। हमेशा कहती थी जूजू बेटा तेरे लिए बहुत सुंदर सी बुने जाऊंगी, नीचे घराने से नन्नी मुन्नी सी गुड़िया जब वो पायल बांध कर आंगन में छमछम करके चलेगी तो पायल की छमछम से सारा घर गूंज उठेगा, मगर मगर बेचारी के सपने पूरे ना हो सके। मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। फिर भी तू ब्याह तो करेगा ना? तुझे दुल्हन के साथ देखकर तेरी माँ स्वर्ग में बहुत खुश होगी, तुझे आशीर्वाद देगी। सच? हाँ तब तो ठीक है, मैं जरूर शादी करूंगा। कैसी होगी रे तेरी दुल्हन? अरे पगली ये भी तो पूछने की बात है, जैसी माँ कहा करती थी सुंदर सी ऊंचे घराने वाली। पारो कर तेरी पारो है इधर बैठ गई, ले पकड़ में आ, मैं भी आता हूं। अच्छा मैं खुद ही आ जाता। तो पट्टी खुल गई तो मैं क्या करूँ? अरे तू नाराज हो गई क्या? मैं क्यों नाराज होने लगी, मैं तेरी लगती ही क्या हूँ? हाँ लगती तो कुछ भी नहीं। फिर क्यों बैठा है मेरे पास? रोज ही तो बैठता हूँ, देख मेरी उंगली से खून निकलने लगा, बांध देना पट्टी। जा अपनी मौसी से कह वो बांधेगी पट्टी। मौसी नहीं बांधेगी, वो तो कहेगी मैं बांधना करता हूँ, काम चोर हूँ, वो सब लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक तू ही तो है जिसको अपना समझता हूँ और तू भी नाराज होगी। अच्छा मैं खुद ही बांध देता। इस तरह पट्टी बांधते हैं क्या? वाह मैं ही बांध देती हूँ। पारो तू सचमुच बहुत अच्छी है, मैं कई दफा सोचता हूँ इतने बड़े शहर में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, अगर तेरा तो कोई ना कोई जरूर होगा। रोटी किसके लिए लेके जाती है? मेरे पड़ोस में एक अंधी बुढ़िया रहती है, आधा उसे खिला देती हूँ आधा मैं खा लेती हूँ। और तेरे माँ बाप बहन भाई? मेरा कोई भी नहीं है। तेरा पति भी नहीं? तेरी शादी नहीं है क्या? शादी हुई थी जब मैं 6 बरस की थी, मुझे सिर्फ इतना याद है कि ढोल बजे थे, शहनाई बजी थी, लड्डू पेड़े बटे थे गांव भर में, मेरी माँ ने मुझे लाल जोड़ा पहनाया था, अच्छे अच्छे गहने पहनाए थे, खूब सजाया था मुझे, मैं बहुत खुश थी, गांव भर में कूद कूद कर कह रहे थे कि आज मेरी शादी होगी आज मेरी शादी होगी। रात को बारात आई,
मुझे बुला के साथ बिठाया गया। पंडित जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन लेकिन मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सुबह माँ ने मुझे जगाया, वो रो रही थी, कहने लगी उठ, ये लाल जोड़ा होता और अपने पुराने कपड़े पहन ले, अब तो विदा हो गई है, अब मुझे गले से लगा कर फूट फूट कर रोने लगी। और अब कहाँ तुम्हारी माँ? मेरी ब्याह के कुछ दिनों बाद वो भगवान को प्यारी हो गई, लोग ताने देने लगे, कहने लगे तुम मनहूस है, पहले अपने पति को खा गई और फिर अपनी माँ को, और तो कोई था नहीं मेरा, इसलिए मैं गांव छोड़कर शहर आ गई, तभी से मैं घर में काम करती हूँ, अपना पेट पालती हूँ। मोहन रो मत, बिल्कुल रो कैसी है? बिरजू, अरे ओ बिरजू, ओ बिरजू के बच्चे, क्या है भैया? भैया के बच्चे, तुमसे कितनी बार कहा कि रोज रात को सामान सिगरेट वाले के यहाँ से खिड़की पैकेट लाके यहाँ रख दिया कर। लेने गया तो था, मगर उसने दिए नहीं, आपका नाम सुनते मुझे काटने को दौड़ा, कहता आ जाते हैं मुफ्त को, पहले छह महीने के पैसे दिए नहीं, ऊपर से सिगरेट मांगते। अबे वो लोटन कबूतर, जब उसने पैसे मांग ही लिए थे तो तुम्हें अपने जेब से दे देने थे। मेरे पास कहाँ है पैसे? मुझे बेवकूफ बनाता है क्या? सब्जी भाजी में से तू पैसे नहीं खाता? देखो भैया, मेरा अपमान मत करो, मैं चार आने की चीज लाता हूँ तो चार ही आने का हिसाब देता हूँ। बड़ा धर्मात्मा बना फिरता है, एक तो हमारे घर का माल खाता है, ऊपर से धौंसे मारता है। देखो भैया, ज्यादा डांटी मत दो, गाँव में बेईमान लोग नहीं होते, शहर में होते होंगे। क्या कहा? शहर के लोग बेईमान होते हैं, इसका मतलब कि हम बेईमान हैं। तेरी ये हिम्मत, मैं बेईमान हूँ? अरे कमीने, आई खाता है, अरे आंखें दिखाता है। मोती मुझे भैया ने मारा। श्याम, क्यों मारा तुमने? डैडी ये रोज सब्जी भाजी में से पैसे चोरी करता है और ऊपर से मुझ पर धाम जमाता है। मैं जब से इस घर में आया हूँ मेरी रोज पिटाई होती है, कोई कहता मैं काम चोर हूँ, कोई कहता मैं चोरी करता हूँ, ऐसे ही है तो मैं अपने काम चला जाता हूँ। आपका आपका शहर मुबारक। अरे बिरजू बेटा, अगर भाई ने भाई से कुछ कह दिया तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है बेटा? देख दे शाम के बच्चे, खबरदार जो फिर कभी मेरे बिरजू का हाथ उठाया। हाँ। If he goes back to village, what about free service? देखा बेटा, अंग्रेजी में जाता है इसको। What a damn fool you are, बेटे, अब ये भी अंग्रेजी में माफी मांग रहा है तुझसे, इससे तू भी माफ मांग। श्याम भैया, मुझे माफ कर दो। ये ले, ये 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 10 पैसे हैं, और नीचे से जाकर 120 नंबर तंबाकू और कच्ची सुपारी वाला पान ले मेरे लिए, मगर देख वो जो अपना पान वाला है ना उससे नहीं लेना, वो अगले नुक्कड़ पर जो है वहां से ले आना। 120 नंबर कच्ची सुपारी, कच्ची सुपारी 120 नंबर जमाना खराब है बेटे, जो कुछ भी करो सोच समझ कर करो, समझे? अरे पान तंबाकू तो मैं बेचता हूँ, तू नंबर याद करता कहाँ जा रहा है? मौसा जी ने कहा है तुम्हारी दुकान से कुछ नहीं लेना, इसलिए दूसरी दुकान पे जा रहा। अरे तेरे मौसा जी मेरी दुकान से कुछ नहीं लेंगे तो मेरी दुकान क्या बंद हो जाएगी? अच्छा ये बता कि तेरी दुकान का क्या हुआ? मौसा जी ने वचन दिया है तो जरूर खुलवा देंगे। अच्छा सुन 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 सुन, आज ही चंपा गली में दुकान खाली हुई है, 1000 रुपया पगड़ी मांगता है, मेरी जान पहचान वाला है, मैं 100 रुपया कम करा दूंगा, बोल चाहिए। सचमुच? पान वाले भैया तुम मुझे दुकान दिलवा दोगे? अरे हाँ हाँ दिलवा दूंगा, तू माल लेकर जल्दी तो आ। माल कितना? 900 900 900 मौसा जी, मौसा जी।
बेटा वो पक्का बेईमान है, उसकी बात का क्या भरोसा है? मौसा जी हमको उसकी बेईमानी से क्या करना है, हमको अपनी दुकान से मत बोल। अरे पर बेटा तुमने ऐसे आदमी की बात ही क्यों मानी जिसने तुम्हारे मौसा को अदालत में खींचा, बेइज्जती की? मैं पूछता हूँ तुमने उससे बात क्यों? नहीं 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 मैं उससे बात नहीं कर रहा मौसा जी, मैं तो तुम्हारा पूरा नंबर याद करके जा रहा था, उसने मुझे आवाज दी, मैंने उसे कहा भी मौसा जी बोलते हैं तुम अच्छे आदमी नहीं हो, लेकिन जब उसने मेरी दुकान की बात की ना मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा मैं अच्छी तरह समझ गया, आजकल मैंने उससे पान तंबाकू लेना बंद कर दिया है ना, इसलिए अब उसने तुमको उकसाना शुरू किया है। लेकिन बेटा तुम उससे बोल ना, तुझे काहे दुकान करनी है? मौसा जी राशन की दुकान कहते हैं बहुत मुनाफा होता है। बेटा राशन की दुकान करा के मुझे अंदर कराना है, है? तुझे मालूम नहीं कि राशन तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है? तो फिर मिठाई की दुकान खोल लेंगे। अरे पर बेटा मिठाई भी तो तुम्हें बनानी नहीं आती, कहीं भट्टी में गिर कर मर गए तो? तो आप बोलो ना, मेरे को दुकान खोल के नहीं देना चाहते। अरे बेटा तुम गवारों जैसी बातें करते हो, हैं? अरे बेईमान मैं तो तेरे भले की बात करता हूँ और ऊपर से जबान चलाता है, मैं कहता हूँ उठा गड्ढा और डाल दे धूप में, बहुत खत्म हो गया, ले जा। बेटा सुंदर पारो, अब इस शहर से जी भर गया है, विचार करता हूँ अपने गांव वापस चला जाऊँ। राम कसम पहली बात अकल की बात की है तूने, मैं जानती हूँ तेरा गांव में कोई नहीं, मगर इस घर में भी कौन है तेरा? जिनका तू सगा समझता है वो तुझे एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं कहती हूँ अगर तुझे जाना है तो अब भी चला जा, वरना एक दिन अपमान के साथ निकला जाएगा। तो क्या तेरी भी यही मर्जी है मैं गाँव वापस चला जाऊँ? मेरी मर्जी वो तो मैं ही जानती हूँ, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ। वो तो ठीक है, मगर गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? बड़े बड़े बोल बोल कर आया था कि शहर में जाके दुकान खोलूंगा, बहुत सारा धन कमाऊंगा, मगर हुआ तो कुछ भी नहीं। बिज्जू निराश मत हो, देख तुझे दुकान खोलनी है ना, मैं देती हूँ पैसे। क्या तू मुझे पैसे देगी? हाँ, दो वक्त की रोटी तो मैं यहाँ खा लेती हूँ और तनख्वाह बचाकर मैंने 350 रुपए जमा किए हैं, तू ले ले और चालू कर अपनी दुकान। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुझसे पैसे लूं, एक औरत से पैसे लूं? वही रहा ना काट का उल्लू, अरे मेहनत पसीने की कमाई है, व्यापार धंधे में लगाएगा तो खूब फले फूलेगा। पारो मेरी कुछ समझ में नहीं आता, नहीं मुझसे ऐसा नहीं होगा, मुझसे ऐसा नहीं होगा। क्यों जी तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, फिर सुंदर पान वाले से मुकदमा कैसे हार गए? अरे हारा नहीं हूँ भगवान, मुकदमा शुरू हुआ, मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, अगर उस सुंदर को फुटपाथ पर न बिठा दिया ना तो मेरा नाम बदल देना समझी। ये क्या मौसा जी, कहां सुना माफ कर देना, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। क्या तू तो गांव जा रहा है? हाँ मौसी, आपका शहर मुझे रास नहीं आया। अरे पर बेटा गांव में अब तुम्हारा है कौन, न माँ है न बाप है, आखिर गांव में जाके करोगे क्या? मैं अपने गांव की मिट्टी में भूखा मर जाऊंगा, मगर अब यहाँ नहीं रहूंगा। सुन रही हो, भूखा मर जाएगा? अरे बेटा मैं तो समझता था कि शहर में आके तू सयाना बन गया है, लेकिन तू तो बुद्धू का बुद्धू ही रहा, दुनियादारी बिल्कुल मालूम है नहीं। बेटा मैंने तेरी स्वर्गवासी माता जी को वचन दिया था कि तुझे इस शहर में दुकान खुलवा दूंगा। मौसा जी वचन तो वो जो पूरा किया जाए।
बेटा रातों रात महल नहीं बन जाते हैं, हर बात में समय लगता है, समझे? और फिर भी अगर तुझे शंका है, तो ये समझता है कि मैं बचंदे के मुकर रहा हूँ, तो बेटा ये ले चराने बनिए के हाथ से जहर ला के दे दे मुझे, पहले घर से मेरी लाश उठेगी फिर तू जाएगा। मौसा जी आप ऐसा क्यों कहते हैं? भाड़ में गया मौसा, अगर तू मुझे अपना समझता तो आज ऐसी बात कहता? अरे बिरजू, मैंने तुझे सदा अपनी औलाद की तरह समझा, तो जब अपनी औलाद ही माँ बाप का अपमान करने लगे तो ऐसे सीधे से मर जाना अच्छा। नहीं मौसा जी नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आप पे शक किया, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ, जब तक आप जिंदा है मैं अपने गाँव नहीं जाऊँगा। अरे माफ कर दो, आखिर अपना ही तो बच्चा है, जरा सी भूल हुई तो क्या, माफ। तुम कहती हो तो माफ कर देता। उठो बच्चों, उठो बेटा, उठाओ अपना सामान और ले जाओ छत पर, मैं कल ही चर्च गेट में तुम्हारे लिए अच्छी सी दुकान ढूंढता हूँ बेटा, अच्छी सी दुकान। अच्छा माता जी, अच्छा। देखा भगवान, जिंदगी में ड्रामा तुमने भी बहुत किया होगा, लेकिन मैं भी किसी एक्टर से कम नहीं हूँ। समझी समझी। अरे कोई राम श्याम आ जाएगा। Thank you.
बच्चे को चुरा दे रहे हैं। सुंदर भैया मेरे बच्चे को। भाई मैं बता रहा हूँ, सब ठीक है, सब ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, पांच मिनट में दौड़ने भागने लगेगा। अरे भाई आप किस लिए खड़े हैं? बेटा भगवान तुझे सुखी रखे, तूने विधवा माँ के बच्चे को बचा लिया, मेरे पास और तो कुछ नहीं, ये एक रुपया है, आज दिवाली के दिन मिठाई खा लेना। बेटा ले 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 ले, मेरे बच्चे ले ले, मुझे नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल ले ले, आज के दिन आई हुई लक्ष्मी को वापस नहीं करते। भगवान तुझे सुखी रखे, आयु लंबी करे भगवान। मगर पान वाले भैया, अगर मैं एक रुपया अपने पास रखूंगा तो राम और शाम कहेंगे शायद मैंने चोरी की है, तुम अपने पास रखो। अरे अच्छा ला, ला, इसके बदले मैं तुझे लॉटरी का टिकट देता हूँ, ये ले, इसे संभाल के रखना, बेटा नंबर लग गया तो राजा बन जाएगा राजा। जा, जा। इतने बरसों से मैं छत पर अकेली दिवाली मनाया करती हूँ, आज ये पहली दिवाली है, हम दोनों साथ हैं। अकेला ही समझ पा रहा हूँ। क्यों? एक तो और एक मैं, हो गया ना दो? मैं तो कब का मर चुका हूँ। बहुत धूप है इनका, दिवाली के दिन ऐसी बातें करता है। अच्छा देख, दिन त्योहार को लोग सगे संबंधियों को कुछ न कुछ फेंक देते हैं, तो मुझे क्या देगा वो? तो जानती है मेरे पास कुछ नहीं पा रहा, होता तो जरूर देगा। अच्छा बाबा, जानती हूँ तेरे पास रुपये पैसे नहीं है, मगर तू मीठे बोलते है वो तो दे सकता है। मीठे बोलों से क्या पेट भरता है? अगर मेरी दुकान होती, चार पैसे की कमाई होती तो राम कसम तो जो कुछ कहती मैं तुम्हें दे देता। अगर तुम किसे कुछ देना भी चाहूँ तब भी नहीं दे सकता। अरे अरे अरे, अजीब आदमी है, मैंने दिवाली के दिन तेरा दिल बहना चाहा और तू रोने लग गया। अरे पगली, हम गरीबों को तो रोने के लिए सारी उम्र पड़ी है, दिन त्योहार को झूठी हंसी हंस लेते हैं। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या है? खोल कर देखे। नई कमीज, नई धोती। हाँ नहीं तो क्या, दिवाली के दिन कोई फटा पुराना देता है। क्या दुनिया है राम जी, जो दे सकते हैं वो तो कुछ देते नहीं और जो नहीं दे सकते। बस बस बस, ज्यादा मत का मत मार, जा पहन कर आ। कल पहन लूंगा। फिर दिवाली आज है और नए कपड़े कल पहनेगा, जा पहन कर आ। पहले मैं भी तो देखूं कि नए कपड़ों में मेरा दूजू कैसा लगता है। जाओ ना। अपना सुंदर पान वाला है ना, उसने मुझे लॉटरी का टिकट दिया था और कहता था इसके बदले में बहुत पैसा मिलेगा, ले तो अपने पास रख ले। नहीं, इसे तो अपने पास ही रख, शायद इसी से तेरे भाग खुल जाए। अरे वाह, और देख मुझे मत कहना कि नए कपड़े मैंने खुद ही दिए हैं। हाँ तूने दिए हैं तो क्यों ना कहूँ। जब तो कुछ समझता ही नहीं है तो मैं तुझे क्या समझाऊँ। जब सुनोगी कि कौन आ रहा है तो खुशी से पागल हो जाओगी। पागल पागल तो मैं वैसे ही हो गई हूँ, कान खोल कर सुन लो, मेहमानों की खातिरदारी मुझसे नहीं होगी, उन्हें दिख दो बल्कि तारी दे दो, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, वो अपने भानु प्रसाद शर्मा है ना, वो अपने बेटे के साथ अपनी बिंदु की शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं और अगले शुक्रवार को बिंदु को देखने आ रहे हैं। तो पहले मैं क्यों नहीं बताया।
जल्दी से लाल बनारसी साड़ी पहन ले और देख सबसे पहले उनके पांव छूना। अगर वो कुछ पूछे तो बड़बड़ मत करना, शर्मा जाना। मुझे शर्माना नहीं आता मम्मी। नहीं आता तो देख मेरी तरफ, देख। समझी? अब जल्दी से तैयार हो जा। कर दोगे? क्या काम? वहाँ नीचे एक लड़का खड़ा है, उसे ये चिट्ठी दे आओ। लड़का? कौन सा लड़का? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो देखो वो लड़का। हे ठीक और आस्ते बोलो बाबा। अच्छा लो, चुपके से ले जाना, देखो किसी को पता ना चले। और मुझे पता चल गया तो? तुम्हारी बात और है। अच्छा सुनो सुनो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे छुपा के ले जाओ। अच्छा 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 अच्छा। अबे ओ बीजू, इधर आ, ये कुर्सी अंदर लिया। नहीं भैया, मैं बड़े जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे जरूरी काम के बच्चे, पहले मेरा काम कर। और ये फूल गुलदान रख देना अच्छी तरह, समझे? अच्छा अच्छा। उठिए ना मौसा जी। ओ बिरजू कहां मर गया तू? मौसा जी उठिए ना। ओ बिरजू के बच्चे, सुनता नहीं, शाम बुला रहा है। जा जाता हूं मौसी, जाता। कहां मर गया बिरजू का बच्चा? क्या बात है शाम भैया? अरे जल्दी से बर्फ ले, बाथरूम से धोखेला। अच्छा चल। ओहो क्या हो गया हिंदुस्तान को, यहाँ बर्फ भी आइसक्रीम का भाव दिखता है। ओहो किस बेवकूफ ने चेयर यहाँ रखी? दिस इज नॉट द वे, दिस शुड बी हियर एंड दिस मैगजीन। अरे बेटा अपने फूल वाले से जरा फूल तो ले आ। यस मम्मी, व्हाई नॉट, आई विल गेट सून। क्या है? अभी तक वो चिट्ठी दी क्यों नहीं? चिट्ठी? वो तो गुम हो गई। गुम हो गई? हाय राम, अब क्या होगा? मुझे तो मार पीटे की तरह बेड़ा गर्क हो सकता है। मैं आता तेरा। कम ऑन मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, अरे मेरा छोटा बेटा श्याम। बिराजिए, सच कहता हूँ शर्मा जी, ये तो बिंदु का भाग्य है कि आप जैसा खिलाना मिल रहा है उसे। बिल्कुल आप ही लोगों जैसा स्वभाव है उसका। बहन जी, आजकल की लड़कियों जैसी आदतें तो है ही नहीं उसकी। बड़ी शर्मीली है, सीधी सादी, भोली भाली, सारे घर का कामकाज वही करती है। मुझे तो किसी काम में हाथ ही नहीं लगाने देती। क्यों जी, ठीक है ना? देखता माने जी, वो तो सब ठीक है जी, मगर लड़की की जन्म कुंडली तो मंगवाइए ना। जन्म कुंडली? बेटा जन्म कुंडली वो देखिए, मैं अपने बेटे सतीश की जन्म कुंडली तो नहीं ला सका, ना जाने कहाँ रख दी थी। उसका राशि फल लाया हूँ, हो सकता है कि इससे काम चल जाए। भगवान चलाएगा, भगवान चलाएगा शर्मा जी।
अरे पांडे जी, आपकी लड़की की जन्म पत्री मिलने से पहले उसका प्रेम पत्र मिल गया है। क्या प्रेम पत्र? जी हाँ प्रेम पत्र। सुनिए, आपकी बेटी ने क्या प्यारे प्यारे शब्दों में अपने प्रेमी को लिखा है। मिस्टर शर्मा, हियर इज जन्म पत्री। अरे मारो बड़ी जन्म पत्री को, पहले मुझे ये प्रेम पत्री पढ़ने दो। लिखती है, मेरे प्यारे रमेश, मेरे माँ बाप मेरी शादी जबरदस्ती करना चाहते हैं। आज मिलना मुश्किल है, कल कॉलेज जाते समय तुमको सारा किस्सा सुनाऊंगी। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी अपनी बिंदु। ओहो शर्मा जी, आप गलत समझे। वो मेरा बड़ा बेटा राम है ना, वो फिल्म के लिए कहानियां लिखता है, तो ये उसकी कहानी का एक डायलॉग है। क्यों लाजवंत जी? हाँ हाँ, रात को उसने मुझे भी सुनाया था। देखिए बहन जी, अपनी बेटी की करतूतों में पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। कहानी कैलेंडर के बाद फिर लिखी जाती। अरे ये चिट्ठी आपको कहाँ से मिली? मैं तो कब से ढूंढ रहा हूँ, लाइए मुझे दीजिए। ए प्रिजु, जल्दी जा, संदीप साहब के लिए 500 परी लेकर आ। अच्छा नहीं, बताइए चिट्ठी किसने दी थी तुझे? अरे बोलता क्यों नहीं बेटा कि ये राम की कहानी का संवाद है। अरे किसने दी थी ये चिट्ठी? बिंदु ने। तुझे शर्म नहीं आती? जो नहीं आता बक देता है। शर्मा जी, ये बिंदु है, जवान है। अजी भाई साहब, इसको तो चाय और कॉफी की भी तमीज नहीं, फिर ये क्या जाने चिट्ठी है या फिल्म का डायलॉग। आप चुप रहिए जी। हाँ तो बेटा, किसको देने के लिए कहा था? वो चीख मारने वाला था ना, जिसकी फटफट के बैठ के बिंदु वाल पढ़ने को जाती है, उसका मुझे कुछ नहीं मालूम। अजी सुन लिया, ऐसे बेशरम खानदान में फसने से भगवान ने हमें बता दिया। उठो सती सीमा, ऐसे घर का पानी पीना भी हमारे लिए पाप है। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, सब मिसअंडरस्टैंडिंग। आप आराम से संतरे खाइए, मैं आपको सब समझाता हूँ। नहीं भाव लगे आपके संतरे, और ये चढ़ाई और भी करें। थाली में खाता है, उसी में छेद करता है। इसने बिंदु का जीवन बर्बाद कर दिया। हमको किसी को मुंह निकालने के लायक नहीं। बर्बाद की अपनी बेटी के जीवन का ख्याल आ जाया है तुम्हें? क्या तुम अपनी बेटी के लक्ष्य नहीं जानती? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वो रोज स्कूटर वाले के साथ घूमती फिरती है? बालक, मेरी बेटी के बारे में बोलने का तुझे कोई अधिकार नहीं, और तुम लोगों को भी कोई अधिकार नहीं इस गरीब पर हाथ उठाने का। क्या बात करती हो पारो, इसकी तो हड्डी पसली कर देनी चाहिए। अजी मुंह क्या देखते हो, क्या तो इस कमबख्त की बिटाई। अगर किसी ने हाथ उठाया तो मैं पुलिस में खबर कर दूंगी। तुम लोग इंसान नहीं, भेड़िए हो, भेड़िए। एक कुत्ता घर में पालते हैं तो उसे भी खिलाते हैं, पिलाते हैं, प्यार से पुचकाते हैं, लेकिन तुम लोगों ने कभी इसे पेट भर खाने को दिया? कभी इसे प्यार से बात की? हर वक्त मारपीट करते रहते हो। क्या यही शराफत है तुम लोगों की? बेचू, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी हाथ जोड़ती हो। तुम यहाँ से चली जाओ, जहाँ प्यार नहीं, प्यार की किल्लत है, वहाँ तुम किसी लोगों का कोई ठिकाना नहीं। तो चल मेरे साथ मेरे घर। चलो आओ, पुलिस अपने झोपड़े में ले जाएगी। हाँ मालकिन, मेरा झोपड़ा तुम्हारे मकान से छोटा सही, लेकिन दिल दिल बहुत बड़ा है। चल बच्चो, चल जाओ। अरे भगवान ने कई तंबीर का तारा खोल दिया। अरे ऐसी काफी लाल चुराए चुराए हो गए। अरे बिरजू, अरे तेरी नाटरी निकलानी और 2,50,000 रुपए की। अरे हाँ हाँ, अंदर जाकर देख टिकट की हिफाजत से रखा है कि नहीं। अरे मुझे यहाँ नहीं उठना।
मम्मी वन फ्रॉम माय साइड। ये ले इसको। मम्मी मेरी ओर से भी एक। ये ले इसको। मम्मी मेरी ओर से भी एक। ये ले बिंदु दूसरी तरफ। ये ले। अबे अंदर क्या देख रहा है? ये ले। सौ का पत्ता। अबे आहिस्ता बोल, तेरी माँ सुन लेगी। देख, बिरजू को ले जा साथ में और उसकी ऐसी खातिर कर। यू डोंट वरी डैडी। देख बेटा, इस बांगड़ू को अच्छी तरह घुमाना फिराना, सारी बंबई दिखाना, जी भर के खिलाना पिलाना, लेकिन तू कुछ मत खाना पीना, रात को पाई पाई का हिसाब लूंगी। डोंट वरी मम्मी। अब देख, अपने पिताजी से मत कहना कि मैंने रुपए दिए। कभी नहीं। टॉप सीक्रेट। भैया, मैं तो आपका नाम बिरजू ही समझता था, लेकिन आज डैडी ने बताया कि आपका नाम ब्रिजभूषण है। भाई गलती हुई, माफ करना है। आप अरे राम, कहाँ ले जा रहा है ब्रिजभूषण भाई साहब को? भाई साहब, जब से आप गांव से आए हो, कम वक्त मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि आपको मुंबई शहर की सैर कराऊं। चलिए मेरे साथ, आज आपको सैर कराया। नहीं, मेरे साथ जाएगा। नहीं, मेरे साथ। मेरे साथ जाएगा। मेरे साथ। मेरे साथ। मेरे साथ। मेरे साथ। मेरे साथ। राम भैया, राम भैया और बिरजू, तीनों साथ। अब बिरजू नहीं, ब्रिजभूषण पांडे। इधर राम। बिरजू बदर, बिरजू बदर, देख लो तुम्हें कौन सी शर्ट चाहिए। ये लाल 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 वाली। मैडम, टेक आउट दिस रेड शर्ट। थैंक यू। ले लो, ले लो, सेंड बिल एट द कैश काउंटर। थैंक यू। इस तरफ ब्रदर, इसमें से सूट चुन लो। ये लीला 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 नहीं ब्रदर, ब्लू ब्लू। प्लीज टेक आउट दिस ब्लू सूट। ब्लू ब्लू। ब्रदर लुकिंग स्मार्ट। वाह वाह। सारे कपड़े फेंक दो। नहीं राम भैया, इनको मैं अपने पास रखूंगा। क्यों? मैं जब भी इनको देखा करूंगा, मुझे याद आएगा कि मैं। ओके ओके, इन कपड़ों को डब्बे में बंद करके दे दो। कम ऑन ब्रदर, कम ऑन। कौन है भैया? आप लोग? मैं यतीम खाने की तरफ से आ रहा हूँ। और मैं सुधर
समागम और मैं महिला समाज की ओर से आया हूँ। आपसे प्रार्थना है कि रात्रि की रकम से कुछ दान पुण्य करें। ये लो, गांव बसा नहीं और उचक्के पहले आ गए। ऐसा मत कहो साम भैया, दान पुण्य तो बड़ा अच्छा होता है। आप फिक्र मत करें, मेरे पास पैसा आएगा मैं सबको खुश करूँ। मैं अखबार इंकलाब जिंदाबाद के दफ्तर से आया हूँ और आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, आएगा तो दे दूंगा। ब्रजभूषण भैया, ये अखबार वाले हैं, ये आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आप किस गांव में पैदा हुए, फिर उस गांव में से यहाँ शहर कब आए, आपकी फोटो ये अखबार में छापना चाहते हैं। अच्छा, हमारी फोटो छापे में छपेगी? तब तो ठीक है। मैं दुर्गापुर गाँव में अपने माँ बाप के घर में पैदा हुआ। जब इतना सा था तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाया करती थी, और जब मैं जरा बड़ा हुआ तो फिर काली बकरी का दूध पीता था। फिर मेरी माँ सरसों का साग और बाजरे की रोटी मुझे खिलाया करती थी, और फिर एक दिन मेरी माँ मर गई। फिर मेरी रोटी पकाने वाला कोई नहीं था, मगर गांव वाले मुझे रोटी खिलाते थे जी। फिर एक दिन मैं शहर चलाया अपने मौसा मौसी के पास दुकान खोलने। दुकान तो खुली नहीं, खाना भी नहीं खिलाते थे शहर वाले, डांट टपट बहुत करते थे, मारते भी थे मुझे। एक दिन कहने लगे, तेरी लाटरी निकल आई है। पर फिर क्या था, मजा ही मजा। राम और साम भैया ने मुझे बंबई शहर घुमाया, बाबू जैसे कपड़े पहनाए, खूब पेट भर के खाना खिलाया, और फिर आप लोगों के भी दर्शन हो गए। भैया आगे मैं लिखा दूंगा, आप थक गए हो, चल के ऊपर आराम करो। अच्छा, अरे वाह साहब, कितने सीधे आदमी हैं। अरे सीधे क्या साहब, देवता हैं देवता। लिखिए साहब, ये हमारे बहुत नजदीक के रिश्तेदार हैं। अजी रिश्तेदार नहीं, भाई है, सगे भाई। लिखिए, पारो राम और शाम भैया ने मुझे ये बिलाती कपड़े लेके दिए, और मैंने खुद देख बापूजी की टोपी मिली। अरे ऐसे नहीं, ऐसे। सचमुच तो इन कपड़ों में बहुत सुंदर लगता है रे। फिर आ तो मेरे साथ। भगवान न करे तुझे किसी की बुरी नजर लगे। पारो, जब मैं छोटा था ना, मेरी माँ जब भी मुझे नए कपड़े पहनाती थी, इसी तरह मेरी नजर उतारा करती थी। और किसी भी रूप में वो अपनों का हमेशा भला ही चाहती है। माँ अपने बेटे का, बहन अपने भाई का, और छोड़ बातों को, तू मेरे साथ काम में हाथ बता। चलो तो बैठ बैठ, और ये प्यार कर दे। हाँ, ये और देख, जरा ध्यान से काटना, उस दिन की तरह उंगली नहीं काट लेना। कट जाएगी तो फिर से पति मान देना। हाँ, मैं मर जाऊं करूंगी बेशर्म, मेरे बेटे से नौकर का काम लेती। अरे तू नहीं जानती ये कितना बड़ा सेठ है, इस घर का मालिक है मालिक। नौकरों को मुंह नहीं लगाती। चल मेरे साथ मेरा राजा बेटा। गरम पानी से सेक
स्लीपिंग सूट। ले बेटा अपने कपड़े उतार और ये पहन ले, बड़े लोग घर में स्लीपिंग सूट पहनते हैं। मगर मौसी मैं तुम्हारे सामने कैसे कपड़े बदलूंगा? तो क्या हुआ बेटा, अपनी माँ के सामने नहीं बदलता था? तब तो मैं बहुत छोटा था मौसी। हाँ राम, खुशी के मारे मैं तो भूल ही गई। दरअसल बात यह है बेटा, बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, माँ की नजर में छोटे ही रहते हैं। अच्छा ले, अकेले में पहले मैं जाती हूँ। माँ छोटके, माँ वाली, माँ वाली। मैं समझता था अपनी माँ के बगैर कोई माँ ही नहीं होती, देखो कहीं का। खा बेटा, पेट भर कर खा, खा। क्यों जी, कि लॉटरी के पैसे कब तक मिल जाएंगे? अरे भगवान, आज है शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे की छुट्टी, कल दूसरा शनिवार सारे गवर्नमेंट ऑफिस बंद, परसों आएगा इतवार, बस सोमवार को सारा माल अपना। व्हाट अपना डैडी? मम्मी पहले इनकम टैक्स कटेगा, फिर सेल्स टैक्स, और उसके बाद में। अबे गधे की औलाद, लॉटरी पर कोई टैक्स नहीं होता। तू चिंता मत कर, ये दो तीन दिन तो यूँ चुटके में निकल जाएंगे। अरे बेटा पानी पी रहा है, अरे खाना खाना। मसी पेट भर गया, अब खाने को मन नहीं होता। क्यों, खाना अच्छा नहीं है क्या? खाना तो बहुत अच्छा है मौसी। अच्छा क्या खाक बना है? मम्मी भैया के लिए इससे भी बढ़िया खाना होना चाहिए। चोरी पारो, मैंने तुझसे कहा था ना ब्रिजभूषण के लिए खूब घी डाल के पराठे बनाना। हाँ कहा तो था, लेकिन घी ला का तो नहीं दिया। जबान चलाती है। देख पारो, तुझे अगर ठीक से काम नहीं करना है तो मैं दूसरा घर ढूंढ ले। अरे उधर क्या देख रहा है बेटा, ले मिठाई खा। कल से मैं तेरे लिए अपने हाथों से परांठे बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी। खा 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 खा। पारो। क्या है पारो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? आप तो तुम्हारे भाई हैं, मौसी हैं, मौसा हैं, सभी तो तुम्हारे अपने सगे वाले हैं। लेकिन पारो, चोरी पारो, तू यहाँ क्या कर रही है? मालकिन मैं तो जा रही थी, यही कुछ कहना चाहते हैं। क्यों ब्रिजभूषण बेटा, तुम नौकरानी से कुछ कहना चाह रहे हो? मौसी वो मैं तो पहले ही जानती थी, मेरा राजा बेटा नौकरों को मुंह नहीं लगाएगा। चल जा रही है यहाँ से, जा अपने घर। ले बेटा पानी खा ले। चलो मेरे साथ। अरे बेटा तू इसे कहाँ ले जा रहा है? मदर समझो। अच्छा अच्छा ब्रदर, दिस वे, कम ऑन। ब्रिजभूषण बेटा कहाँ हो तुम? लो ब्रदर सिगरेट पियो। नहीं था भैया, मैं सिगरेट नहीं पीता। अरे सिगरेट नहीं पियोगे तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? अब तुम गांव के मामूली किसान थोड़ी हो, शहर के रईस हो, रईस मिलियनेयर लखपति। तुम्हारी चाल ढाल बातचीत सबसे ऐसा लगना चाहिए कि तुम ग्रेट हो, ग्रेट। लो लगाओ कश, दम मारो दम। अरे बस 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 बस, शुरू शुरू में थोड़ी सी खांसी और फिर बाद में स्वर्ग के झोंके। ब्रदर लिसन, कल मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, हम दोनों लंदन जाएंगे। ब्लैक पेरिस। लंदन? ब्लैक? मगर साहब भैया अपने गांव में तो लोग कहते हैं कि जो सुख छज्जू के चबारे, ना बलख ना बुखारे, तो फिर मैं अपना देश छोड़कर दूसरे देश में क्या करूंगा? अरे अपने देश में रखा ही क्या है, ये भी कोई मुल्क है? न घूमने फिरने की आजादी, न खाने पीने का मजा, जिधर देखो चारों तरफ भिखमंगे हाथ फैलाकर खड़े हैं। कहीं किसी को पता लग गया कि तुम्हारे पास इतने सारे रुपए हैं तो तुम्हारे वो रुपयों का फुग्गा बनाकर आसमान उड़ा देंगे। लेकिन विलायत में वहां पूरी आजादी है, कोई रोक टोक नहीं, दिन भर घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, और रात को नाइट क्लब। नाइट क्लब? हाँ वो क्या होती है? नाइट क्लब होती है वो इंद्रसभा। इंद्रसभा का तो नाम सुना है ना? हाँ उसी को अंग्रेजी में नाइट क्लब कहते हैं। लेकिन इस इंद्रसभा के महाराज इंद्र हो गए तुम, गोरी गोरी अप्सराएं तुम्हारे सामने नाचेंगी, उनका अंग अंग फिर
मुझसे पूछेगा और नाचते नाचते वो अपने ब्लाउज के बटन खोलना शुरू कर देंगी। है? एक बटन, दो बटन, तीन बटन। उसके बाद नाच पूरी जान ही पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे के कपड़े उतारना शुरू कर देगी। शाम भैया तुम मुझे कपड़े मत उतारो। अरे मैं उतार कहा रहा था, मैं तो तुमको रिहर्सल करके दिखा रहा था। मगर शाम भैया, इन छोकरियों को सबके सामने कपड़े उतारते हुए शर्म नहीं आती? अरे ब्रदर, शर्म जैसी घटिया चीज हमारे हिंदुस्तान में ही है। वहां के लोग इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। तुम कुछ भी कहो भैया, मुझे ये सब बातें नहीं पसंद। तो क्या हुआ, किसी अच्छी सी अंग्रेज मेम को देखकर तुम्हारी शादी करवा देंगे और सुहाग रात को वो तुमसे कहेगी डार्लिंग आई लव यू और उसके जवाब में तुम कहोगे स्वीट हार्ट यू आर सो चार्मिंग। मगर शाम भैया, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, मैं फिर बातचीत कैसे करूंगा? ब्रदर फिकर नॉट, तुम्हारा प्लेबैक मैं दे दूंगा। क्या दे दोगे? अब प्लेबैक मेरा मतलब है सुहाग रात को तुम्हारे पलंग के नीचे मैं छुप जाऊंगा और जब तुमसे वो अंग्रेजी में बात करेगी तो उसका जवाब अंग्रेजी में मैं दे दूंगा। सुहाग रात मेरी और पलंग के नीचे से बात करोगे तुम? तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा छोटा ब्रदर हूँ, छोटा भाई। तुम कहोगे तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा और अगर तुमने आंखें खोल ली तो तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। है? तब तो ठीक है। शाम के बच्चे। यस डैडी। ये क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है अभी भूषण बेटा? मौसा जी, शाम भैया बिलायत में जाकर गोरी गोरी मेल से मेरी शादी कराएंगे। अरे बेटा, इसका तो दिमाग खराब हो गया, तू मेरे साथ चल। अरे डैडी, मुझे यूरोप की ट्रिप तो डिस्कस कर लेने दो। अरे तू अपनी ट्रिप अपनी जेब में रखना। चलो बेटा। ब्रदर, ओहो, ये आजकल के बुढ़े तो नई बातें समझते ही नहीं, नए जमाने की। आराम से बैठ जाए, बैठ जाए। अब मैं तुझे काम की बात समझाऊं। बेटा, ये दुनिया जो है ना, वो अपने मतलब के अंदर। अब सीधी बात तो ये है बेटा कि जहां गुड़ होगा वहां मक्खियां आएंगी, जहां पैसा दिखेगा वहां भीड़ लगेगी। और बेटा, अब तू कोई मामूली आदमी नहीं है। बेटा बेटा, मेरी बात सुन बेटा। मैं कह रहा था अब तू मामूली आदमी नहीं है, तू लखपति है। बेटा, लूटने वाले लाखों मिलेंगे लेकिन प्यार करने वाला मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा बेटा। हाय, आप नींद के मारे मेरे बेटे का बुरा हाल हो रहा है और तुम अपनी रामायण हाथ के जा रहे हो। चल बेटा, चल चल मेरे साथ, मैं तुझे सुनाती हूँ मेरे लाल। आजा 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 आजा, चल 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 चल। आ बेटा, सो जा भैया। ओ भैया, सो गए क्या? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। देखो भैया, दिन रात एक कर मैंने एक फिल्म के लिए कहानी लिखी है, छह के छह गाने तैयार है। अगर थोड़े फाइनेंस का बंदोबस्त हो जाए तो मेरी पिक्चर तैयार। भैया सुन रहे हो ना, तो फिर कल किसी डायरेक्टर को नक्की कर लो। भैया माल लगाओगे ना? बन गया काम। हंगामा फिल्म कंपनी प्रेजेंस का पट्टा। Mm-hmm.
भूषण कहाँ जा रहा है तू? मौसी दूध लाया है। अरे दूध लाने के लिए घर के निकट तो क्या काम है? अरे वो राम श्याम टांगे टूटे तुम्हारी कहाँ मर गए सबके सब? राजा बेटा तू अंदर चलकर अखबार देख, मैं तेरे लिए बेटी लेकर आती हूँ। बेटी? बेटा सुबह की चाय। मम्मी मैंने तो इनकी चाय का गर्म पानी रख दी है, तुम जाके दूध ले आओ ना। बेटी तू ही जरा इनका ख्याल रखना, मैं अकेली जान क्या क्या करूं, अभी दूध लेकर आती हूँ। आप चलकर बैठिए ना, मैं आपके लिए गर्म गर्म चाय लाती हूँ। अच्छा। क्या सॉलिड प्रोग्राम बना, क्या करते हो? उठो गेट अप गेट अप गेट अप, चलो तुमको दुनिया की सैर कराते हैं। क्या हसीन है दुनिया, क्या रंगीन है दुनिया। यस उठो उठो भैया, चलो बैठी। अरे नो बैठी भैया, आज टेबल टी पी कम ऑन यू आओ ब्रदर। अरे संभालो संभालो संभालो, इधर बैठो बैठो। यस सर, क्या लाऊं? दो ठंडा बियर और तीन ग्लास। देखा ब्रिजभूषण भैया, ये है असली बम्बई, बहुत अच्छी है, मैंने ऐसी पहले कभी नहीं देखी। अरे ब्रदर ये तो कुछ नहीं, आगे देखो क्या होता है। वेरी गुड। शाम भैया ये क्या है, ऊपर से सफेद सफेद नीचे से पीली पीली? इसको कहते हैं अंग्रेजी लस्सी। अंग्रेजी लस्सी? हाँ, हाँ भैया पी के तो देखो, पियो पियो। ये तो कड़वी है। हाँ ब्रदर, पहले कड़वी होती है बाद में मीठी लगती है। बाद में मीठी? हाँ। तब तो ठीक है, पी जाओ। बात है दिल में, कह दो कह दो कह दो। कैसे कहूँ किससे कहूँ? जी जी ना ना ना, शर्म की बात है। बड़ी मुश्किल से कटती है राह, आते हैं याद बे
सोचती हूँ कभी कभी हो जाओ किसी की भूल के बातें पिछली जिंदगी की सोचती हूँ कभी कभी हो जाओ किसी की भूल के बातें पिछली जिंदगी की फिर तेरी सूरत याद आ जाती है आंखों के सामने घटा आ जाती है कैसे कहूँ कैसे कहूँ शर्म करके 2 लाख रुपए इस मकान के दे सकता है लेकिन मैं तुमसे 1 लाख लूंगा। मगर मौसा जी आप मुझसे 1 लाख का घाटा क्यों खा रहे हैं? इज्जत का सवाल है ना, अगर घर में ही सौदा हो जाए तो बाहर खबर नहीं जाएगी ना। बस जैसे ही तुम्हारी लाठी के रुपए आए हैं तुम इस घर के मालिक और मैं तुम्हारा भाड़ू, हर महीने रुआब से किराया वसूल कर मुझसे। अरे मौसा जी आप इतने बड़े वकील होकर वो सुंदर पान वाले से किराया वसूल नहीं कर सकते तो मैं आपसे कैसे करूंगा? अरे बेटा वो भाड़ू गुंडा बदमाश है, मैं शरीफ आदमी। शरीफ आइए डायरेक्टर साहब, आइए आइए आइए। डायरेक्ट उठिए आप यहाँ से, उठिए उठिए। भैया आप बैठिए, आप तस्वीर रखिए। अच्छा 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 भैया ये हमारे डायरेक्टर साहब है और ये श्री ब्रिजभूषण जी मेरे फाइनेंसर। ओ गुड मॉर्निंग सर जी, क्या बोलते हैं आपको अंग्रेजी में? नमस्ते कह रहे हैं। डायरेक्टर साहब ये मेरे डैडी है जी, बदकिस्मती से मैं ही इनका बाप हूँ। क्या बात है, वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड। क्या बच्चे डायलॉग बोलते हैं, अगर जवानी मुझे मिलते तो मैं आपको विलन बना देता। जी क्या बोले, मेरी सूरत विलन जैसी दिखती है। मैं मतलब कुछ कहने का और था, कुछ कह के और मेरा मतलब था कि आप हीरो लगते। हाँ तो भैया मैं ये फिल्म 1 लाख में बना लूंगा और चलन से कहता हूँ कि 25 हफ्तों से पहले ये फिल्म नहीं उतरेगी। राम भैया मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जैसे मौसा जी कहेंगे वैसे करूंगा। रेडी तारा बेटा, हाय हाय हाय, अपनी औलाद से तो ये खोटा सिक्का खड़ा निकला। भैया रात तुमने मुझसे वादा किया था
अब साफ साफ बताओ रुपया लगाओगे या नहीं? मैं फिल्म चलो मैं रुपया नहीं लगाऊंगा। शाबाश बेटे शाबाश। मिस्टर राम तुमने मेरा कीमती वक्त बर्बाद किया है। आपस में फैसला करके फिर मुझे बुलाना था। मेरा ये सर किया तुमने इडियट। लेकिन डायरेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुना नहीं चाहता। लेकिन डायरेक्टर साहब अबे जाने देने काहे को पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा हुआ बला टल गई तेरे सर से। डायरेक्टर साहब ने ठीक कहा था कि आप विलन है पक्के विलन। अबे जबान संभाल कर बात कर विलन हो गया तेरा बाप। यही तो मैं कह रहा हूँ। चलो भैया स्टूडियो चलते हैं और डायरेक्टर साहब से माफी मांगते हैं। नहीं जाना बेटा फिल्म के चक्कर में नहीं पड़ना नहीं तो ये तुझसे भीख मंगवा के छोड़ेगा। मैं लेके जाऊंगा। मैं नहीं जाने दूंगा। लेके जाऊंगा। मैं नहीं जाने दूंगा। अरे देखो ना अपने लाले की कसू क्या गुल खिला रहा मेरे भोले भाले दूसर को गलत रास्ते पर डाल रहा है। कहता है कि फिल्म में रुपया लगाओ ताकि वो जैसे गाँव से आया था वैसे ही वापस जाए। मम्मी डैडी इज अ डैम थॉट। अपना गलासा मकान भैया के सर पर थोपना चाहते हैं जिसको तोड़ने के लिए म्युनिसिपालिटी ने 3 बार नोटिस भेजा है। बेटा तू किसी की मत सुन। चल मेरे साथ। गुड न्यूज गुड न्यूज। पासपोर्ट का सारा इंतजाम पक्का। अब सिर्फ एक ओवरकोट खरीदना बाकी है क्योंकि लंदन में बहुत ठंडी पड़ती है। कम इतनी चलो मेरे साथ। अपने पैसे का जो जी क्या करूँगा। बेटा जो भी कुछ करेगा तुम तो कुछ क्यों नहीं करूंगा। रोटी के झूठे टुकड़े तुम ही मुझे खिलाया करती थी। अब लॉटरी निकल आई है तो बांगड़ू से ब्रजभूषण बेटा हो गया है। रोज लड्डू पेड़े खिलाए जा रहे हैं। पंखा झला जा रहा है। लोरी सुनाई जा रही है। क्यों पैसे के लिए पैसे के लिए। कॉल खोल कर सुन लो मैं अपने पैसे को खा जाऊंगा उड़ा दूंगा आग लगा दूंगा मगर तुम लोगों को फूटी तोड़ी नहीं दूंगा। अरे ब्रजभूषण ठंडा हो जा। भैया डायरेक्टर साहब को क्या जवाब दूं? ब्रदर ओवरकोट वाले को क्या कहूं? भाई में जाओ तुम लोग। तुझे पैसा चाहिए? तुझे भी चाहिए पैसा? नहीं दूंगा नहीं दूंगा। मैं तेरे खत्ते में डाल दूंगा। मैं नहीं दूंगा। अजय सुनते हो बिरजू पागल हो गया। अजय बनाव शराब बकता है। कहता है मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा मार डालूंगा। अरे तो इसमें हंसने की कौन सी बात है। बिरजू अगर पागल हो गया तो माल हमें कैसे मिलेगा। वो तो पागल हो ही गया साथ तुम भी सखिया गए हो। जी हम पुलिस में खबर कर देते हैं कि हमारे घर का नौकर पागल हो गया। वो उसे पकड़ कर ले जाएंगे और हम लॉटरी का टिकट कैश कर लेंगे। आखिर हम ही तो रिश्तेदार हैं उसके। अरे भाग्यवान वो पागल नहीं हुआ है बल्कि होश में आ गया है। उसे पता चल गया है कि हम क्या है और पैसे की कीमत क्या है। तो फिर क्या किया जाए। किसी न किसी तरह ये रकम हाथ लगनी ही चाहिए। सारे हथकंडे तो हम लोग आजमा चुके लेकिन वो जाल में फंसते ही नहीं। अब तो एक ही डॉक्टर है जो उसका इलाज कर सकता है। डॉक्टर कौन सा डॉक्टर जल्दी बुलाओ ना। अरे वो डॉक्टर तो अपने घर में ही है। वो अपनी नौकरानी पारो उसे हाथ में ले लिया जाए ना तो बिरजू का दिमाग ठंडा। ये कैसे हो सकता है। आप उसके रिश्तेदार हैं बुजुर्ग हैं आप ही उसे समझाइए। मैं गरीब किसी को क्या समझाऊंगी एक मामूली नौकरानी हूँ। नौकरानी अरे क्या कह रही हो पारो मैंने आज तक अपनी बिंदु और तुमने कोई फर्क ही नहीं समझा बेटी। अरे तुम इस घर की बेटी हो लक्ष्मी हो। और अगर उसने मुझे भी जवाब दे दिया कि पैसा मेरा है मैं अपनी मर्जी से खर्च करूंगा तो। अरे बेटी वो तुझसे ऐसा कह ही नहीं सकता। ये तो सच है ना कि वो तेरी हर बात मानता है। तो जब तू प्यार से उसे समझाएगी तो वो लॉटरी का टिकट तुझे दे देगा और तू चुपके से मुझे दे देना वरना बेटी वो इतना सारा रुपया एक साथ देखकर पागल हो जाएगा पागल। नहीं नहीं ये सब मुझसे नहीं होगा। पारो बेटी मैं तेरे पास बड़ी आस लगा के आया था। अरे दुनिया में एक तू ही है जो हमारी मदद कर सकती है। बिरजू मेरा इकलौता भांजा है भगवान के लिए उस मासूम बच्चे को पागल होने से बचा ले बेटी मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। मुझे बाकी की पाँव छूकर मुझे पापी मत बनाइए। मेरे भाग तो पहले ही फूटे दो पल का सुख भी तो नहीं है मेरे जीवन में। अरे तू कह क्या रही है बेटी हमारे जीते जी तेरे मुंह से शब्द अच्छे नहीं लगते। नहीं दूंगा पैसा नहीं दूंगा।
मेरी माँ की बात नहीं सुनेगा। नहीं सुनूंगा, किसी के नहीं सुनूंगा, और एक पैसा नहीं दूंगा। पैसे किसको नहीं देगा तो मर दो, मैं शोर क्यों मचा रहे हो? शोर? अच्छा नहीं मचाऊंगा शोर, मगर तुम सबको बोल दे मेरी जान छोड़ दे। ठीक है बेटा, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, लेकिन पारू क्या कह रही है तो सुन लो। बोल पारू, तू क्या बोलती है? कुछ भी नहीं। बेटी इतनी जल्दी भूल गई, अभी मुझसे जो बोल रही थी वो बच्चू बेटा से बोलने में। हाँ हाँ मैं अकेले में सुन लूंगा, तुम लोग सब जाओ। हाँ। जाओ उधर जाओ, भीड़ बाहर जाओ। यहाँ क्या काम है तुम लोग? तो मौसा जी तुम भी जाओ। जाओ पारू बेटी, याद रखना। अरे जाओ। अरे वाह, तुम लोगों को डांटने भी लगा। अरे वाह बेटी। मेरी बात सुनो। तेरी बात बाद में सुनूंगा, पहले तू मटके से ठंडा गिलास पानी मुझे पिला, मेरे तो कलेजे में आग लगी है। अच्छा, गांव बसाने चोर पहले ही इकट्ठे हो गए। अरे वाह। अरे पारो, सब पैसे की माया है, सब पैसे की माया है। अब तक यही लोग मुझे डांटते थे, मुझे गालियां देते थे, बात बात पर मेरा अपमान करते थे, और अब मेरे पास पैसा आने वाला है तो मेरे सामने नाक रगड़ने को तैयार है। लेकिन ये पैसा तेरा कहाँ है रे? तो मेरा अधिकार है, याद है दिवाली की रात तू यही टिकट मुझे दे रहा था। अरे तू अब ले ले, तुझमें मुझमें फर्क ही क्या है? ये ले, भगवान जी ने तेरी प्रार्थना सुनी है। अगर मैं इस टिकट की रकम लेकर कहीं चली गई तो? चली गई? मुझे सब खबर है, तू मुझे छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती। सच? अच्छा एक बात बता, तू इतने सारे रुपयों का करेगा क्या? क्या करूंगा? अरे एक बहुत बड़ी दुकान खोलूंगा, उसके ऊपर लाल पीली ऐसी टिमटिम करती बत्तियां लगाऊंगा, डाकों की भीड़ लग जाएगी, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, पैसों का ढेर लग जाएगा, नौकर चाकर मोटर गाड़ियां, सारे शहर के लोग ब्रजभूषण सेठ के सामने झुक झुक कर नमस्कार करेंगे। ए बिरजू, ये शहर के सपने देखना छोड़ दे, यह सब झूठ है, सब कुछ नकली है। तो फिर तू ही बता पा रो, इतने पैसे का हम क्या करेंगे? हम दोनों गाँव चले जाएंगे और वहाँ वहाँ बहुत सारी जमीन खरीदेंगे, तो खेतों में हल चलाए करना, और मैं तेरे लिए खाना लाए करूंगी। नदी किनारे एक छोटा सा घर होगा जो शहर से दूर, बहुत दूर।
बजाय बिरजू को समझाने के खुद ही उस पर डोरे डालने लग गई। इससे तो अच्छा होता हम अपनी बिंदु को उसके पीछे लगा देते। कैसी बातें करती हो राम की माँ। इसमें बुराई ही क्या है जी, मैं तो कहती हूँ लॉटरी का पैसा मिलने से पहले ही हम बिंदु का ब्याह उससे कर दें। अरे लेकिन बिंदु मानेगी, वो पढ़ी लिखी लड़की और बिरजू एकदम गंवार। अजी आदमी गंवार तब तक ही होता है जब तक उसके जेब में पैसे ना हो। रही बिंदु की बात, मैं उसे समझा लूंगी। भगवान भगवान, ख्याल बुरा नहीं है तुम्हारा। वो कपड़े मुझे बहुत काटते हैं, इनमें बड़ा मजा आता है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कितनी शर्म की बात है, हमारा होने वाला दामाद और ऐसे कपड़े पहने। दामाद? किसका दामाद? ओहो बेटा, जब अपनी बिंदु के साथ तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम हमारे दामाद हुए या नहीं? बिंदु के साथ मेरी शादी? क्या कह रहे हो मौसा जी? अरे बेटा, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं? बिंदु जैसी सुशील खानदानी पढ़ी लिखी लड़की और तुम्हें कहाँ मिलेगी? मगर मौसी, बिंदु तो मेरी छोटी बहन है। अरे बेटा, बोलने से थोड़ी कोई बहन बन जाती है। बिंदु तेरी सगी बहन तो नहीं है? मौसा जी, हमारे गांव में तो जिसको एक दफा बहन कहते हैं तो फिर उसको बुरी नजर से नहीं देखते। हाय बेटा, इसीलिए तो गाँव वाले तरक्की नहीं कर सके, वही लकीर के पति। अगर शादी करने का मतलब बुरी नजर से देखना होता तो आज तक न किसी लड़की की शादी होती न किसी लड़के का ब्याह। मगर मौसा जी वो। अरे बेटा, शादी ब्याह तो संजोग से होते हैं, ऊपर वाले का लिखा कौन मिटा सकता है भला। क्यों जी? ठीक कह रहे हो भाग्यवान। तो जल्दी बुलाओ पंडित को और कली का शुभ मुहूर्त निकलवा। चूड़ी तो कड़ी क्या सुन रही है, जा यहाँ से। जा रही हूँ, हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये लो रसोई की चाबियां। ना जा यहाँ से, पैसे नाक पे मारूंगी तो तेरी जैसी हजार लाइन में खड़ी हो जाएंगी। चल जा यहाँ से।
बेटे सुन तो, तू जा तो रही है मगर वो अपनी बिंदु की शादी में मिठाई खाने जरूर आना। जरूर आऊंगी, बच्ची बाबू दूल्हा बनेंगे, उन्हें देखूंगी, मेहमानों के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी, खुद भी खूब खाऊंगी और फिर छुट्टी बर्तन साफ करके चली जाऊंगी। लॉटरी इसके नाम की नहीं निकली, नंबर गलत था। क्या? नहीं नहीं मिलेगी। मुझे तो पहले ही मालूम था कि बलहूस के नसीब में इतनी बड़ी अकल कहाँ से? अरे कमीना, यूं ही अकलता फिरता था, हम लोगों को तो कुछ समझता ही नहीं था। मम्मी, मैंने तो सुनने वाले को भी भगा दिया, अब मेरा क्या होगा? अरे शराब खोर के पीछे कितने रुपए बर्बाद कर गया मैं। अरे भैया जी, सुबह के अखबार में सेकंड प्राइज का गलत नंबर छपा था, अब इवनिंग न्यूज में गवर्नमेंट की तरफ से सही खबर छपी है, बिरजू का सेकंड प्राइज 2.5 लाख नहीं बल्कि फर्स्ट प्राइज 5 लाख का निकला है। अरे बेटा, मैं तो तेरी मस्तक रेखा देखकर ही समझ गया था कि तेरे भाग्य में राजयोग लिखा हुआ। मैं तो पहले ही जानता था कि मेरे भाई के साथ जरूर कोई धोखा हुआ है। हाँ, इतने बड़े आदमी होने के बाद भी भैया जरा भी नहीं बदले। मम्मी, मैंने अच्छा किया स्कूटर वाले को भगा दिया। Hey, cool.